हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल महक रेसिपीज। ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल चटपटी भेलपुरी, और इसे कलकत्ता में झलमुरी भी बोलते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, शेयर भी कर देना, और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबा लें। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो भेलपुरी बनाने के लिए मेरे पास है रेडीमेड मुरमुरे, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, बड़े पैकेट्स में भी आते हैं, छोटे पैकेट्स में भी अवेलेबल हैं। और इसमें रोस्टेड पीनट्स है, चना दाल है, थोड़ी सी सेव भी है, और ये येलो कलर की है, मार्केट में वाइट कलर की भी आती है। और इसके साथ साथ मैंने लिया है धनिया, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, इमली गुड़ की चटनी, धनिया पुदीने की हरी चटनी, और थोड़ी सी सेव और ली है, नमक लिया है, बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली ली है, रेड चिल्ली पाउडर लिया है, चॉप किए हुए टमाटर हैं, बॉइल्ड आलू है चॉप किया हुआ, और बारीक कटे हुए प्याज हैं, और ये है पूरी यानी कि पापड़ी। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे, थोड़ा सा गार्निश के लिए रख देंगे, उसके बाद डालेंगे टमाटर, अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर भी डाल देंगे, सॉल्ट भी डाल देंगे, और अब इसमें डालेंगे इमली गुड़ की चटनी, अब ये डाल देंगे हरी चटनी। सबसे पहले हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें ये मुरमुरा डालेंगे। पहले अगर आप मुरमुरा डाल दोगे तो वो सोगी हो जाएगी जल्दी, तो वो टेस्टी नहीं लगेगी, इसलिए इसे बाद में ही डालें। अब इसमें डाल देंगे आलू, थोड़ा सा सेव डाल देंगे, ये चाट मसाला डाल देंगे, अमचूर पाउडर भी डाल देंगे। अब इसमें ये पूरी डालेंगे तोड़ के, और इन्हें मिक्स कर लेंगे। एक होती है सूखी बेल और एक होती है गीली बेल। जो मैं बना रही हूँ वो पूरी तरह सूखी नहीं है और पूरी तरह गीली भी नहीं है, तो आप दोनों तरह की बेल का एक में ही मज़ा ले सकते हैं। तो ये मुरमुरा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब एक नींबू का रस इसमें डालेंगे और इसे मिला लेंगे। हरा धनिया ऐड कर लेंगे, पीनट्स मैंने अलग से रोस्ट किए हुए थे, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है, और ऊपर से थोड़ी सी सेव भी डाल देंगे। तो ये हमारी टेस्टी भेलपूरी बनकर तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे, और आप स्पाइस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। भेलपूरी मैंने प्लेट में डाल ली है, अब सेव से इसे गार्निश कर लेंगे, थोड़ा सा प्याज ऊपर से गार्निश कर लेंगे, और ये थोड़ी और पापड़ी ऐड कर लेंगे। थोड़े से पीनट्स और ऐड कर लेंगे, धनिया डाल के गार्निश कर लेंगे। जब आप प्लेटिंग कर लें उसके बाद भी आपको ये चीज़ें ऐड करनी हैं। तो ये चटपटी टेस्टी भेलपूरी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप भी बनाएं और खाएं। मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।